कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए प्रदेश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू भले लगा दिया गया हो, लेकिन जिले में फिलहाल नाइट कर्फ्यू पर विचार किया जा रहा है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्या ने कहा कि कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, स्थिति यही रही तो दो दिन बाद जिला प्रशासन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार कर सकती है। उन्होंने जनता से अपील किया कि वह खुद ही सावधानी बरतते हुए अपने आप रात्रि जनता कर्फ्यू लगा सकती है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को व्यापारियों के साथ बैठक कर कोरोना के बचाव पर चर्चा की गई थी, जिसमें व्यापारियों ने जिला प्रशासन का सहयोग देने की बात कही थी। जिलाधिकारी ने कहा कोरोना के इलाज के लिए शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर आदि का प्रयोग किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने कहा, लोग दो दिन इंतजार करके ट्रेंड देख रहे हैं ताकि केसेस बढ़ रही है नहीं तो स्टेबलाइज हो रहा है कैसे है। वैसे आज भी तो मुंबई से बहुत सारे पैसेंजर आ रहे हैं, 3 टीम लगी हुई है, उन लोगों को जांच भी चल रहा है। यदि ट्रेंड तो बढ़ता हुआ दिखता है तो फिर अब नाइट कर्फ्यू का विचार करेंगे, रात्रि 10 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक शुरुआत फिलहाल करेंगे। कल व्यापार मंडल के साथ भी हम लोग मीटिंग किए थे, व्यापारी लोग काफ़ी सहयोग किए थे, वो कह रहे थे खुद भी अपने दुकान 10 बजे बंद कराने के लिए उन लोग बाधा किए थे। और हम उम्मीद करते हैं जो जनता का सहयोग से ही ये कर्फ्यू हो जाए, जनता कर्फ्यू के रूप से हो जाए रादर देन जो प्रशासन के तौर से तोपा जा रहा है। अभी फिलहाल जो आज से बहुत जगह हम लोग शक्ति भी किए हैं, जो बिना मास्क आने वाले का चालान काटे हैं जगह जगह पे, शक्ति तो कर ही रहे हैं। अब 2 दिन थोड़ा रुक के देखते हैं, यदि 2 दिन बढ़ता हुआ दिखता है तो फिर 2 दिन के बाद फिर हम विचार करते हुए। वैक्सीनेशन तो देखिए हम लोग तो पर डे 15,000 के हिसाब से प्लान किए थे वैक्सीनेशन, बीच में कोवैक्सीन थोड़ा शार्टेज पड़ा है, कोविशील्ड ज़्यादा आई है, इससे दूसरा डोसेज जो किसको लगना है वो लोग भी आ गए हैं लोग, इसलिए थोड़ा 1-2 दिन के लिए हम लोग कम कर रहे थे ताकि हम लोग पर्याप्त मात्रा में जो इकट्ठा होने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग अभी 15,000 पर डे के हिसाब से टारगेट लेके जा रहे थे, उसको थोड़ा कम करके 10,000 पे लाए हैं। 2 दिन के बाद वैक्सीनेशन जो पर्याप्त मात्रा में आ जाएगा फिर हम 15,000 के हिसाब से चल पड़ेंगे। सर फोर्स तो पर्याप्त मात्रा में हम लोग को मिला है, CPF का भी जो 2 बटालियन मिला है, उसके अलावा आसपास जनपद से भी पर्याप्त मात्रा में फोर्स मिला है और हर बूथ में हम लोग पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगा रहे हैं। उसके अलावा तमाम जो इसको आप देख ही रहे हैं जैसा कि बंदूक का जो लगभग हम लोग 90% जमा करवा चुके हैं और कहाँ कहाँ जो हिस्ट्री शीटर है, जो गुंडा है, गैंगस्टर एलिमेंट है, उन लोगों का यदि तो जेल का अंदर भेज रहे हैं नहीं तो फिर जनपद से बाहर भगा रहे हैं। हाँ वो तो RO लेवल का हुआ है, उस पर जो भी प्रत्याशी देखिए एक ही जो एक मानक है ताकि जो भी प्रत्याशी के ऊपर 2 साल के ऊपर सजा होता है तो वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, वो तो चुनाव लड़ने के लिए योग्यता नहीं रखते हैं। वो कुछ लोग छुपा करके लगा देते हैं उसको तो तब बाद में पता चलेगा तो फिर उनका कैंडिडेचर खारिज होता है। उसी टाइप को बहुत सारे हिस्ट्री शीटर अपराधी लोग तो पर्चा दाखिल तो किए हैं, बहुत लोग का हम लोग लगभग सभी को खारिज कर चुके हैं ताकि जो ये लड़ने की योग्यता नहीं रखते हैं ये चुन के भी आ जाता है तो जनता को परेशान करते हैं, इसलिए तो उसी नीयत से जो गुंडा गैंगस्टर एलिमेंट है उन लोग को चुनाव लड़ने से अधिकार से रोका गया।